नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की फिल्म गुड न्यूज के 16 दिनों के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और साथ ही साथ जानने वाले हैं हम लोग इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों 27 दिसंबर के दिन लगने वाली सुपरस्टार अक्षय कुमार की कॉमेडी ड्रामा फिल्म गुड न्यूज, जिसका की डायरेक्शन किया है राज मेहता ने। दोस्तों इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड सुपर स्टार अक्षय कुमार सर के अलावा दिलजीत दोसांझ, कियारा आडवाणी और करीना कपूर खान नजर आई है। वही दोस्तों इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है करण जौहर ने। बताते चले दोस्तों आपको कि बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3100 स्क्रीन पर लगने के बाद सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन काफी बंपर ओपनिंग ली और कमाए 17,56,00,000 रूपए, जो की दोस्तों एक तरह से इस तरह के सब्जेक्ट पर बनाई हुई फिल्म के लिए काफी आउटस्टैंडिंग कलेक्शन था। वही बात करें सेकेंड डे की, तो दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे। यही वजह रही कि इस फिल्म ने अपने सेकंड डे में 21,78,00,000 रुपए कमाए और अपने तीसरे दिन में कमाए 25,65,00,000 रुपए। इस तरह से यह फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों में लगभग 66,00,00,000 रुपए की शानदार कमाई कर चुकी थी और सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के लिए लगातार 12वीं हिट फिल्म साबित होने वाली थी। वहीं दोस्तों इस फिल्म को रिव्यूज काफी अच्छे मिले, इसी कारण से इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में भी काफी शानदार होल्ड किया और कमाए 127,90,00,000 रुपए। और अगर बात करें यहां पर हम लोग इस फिल्म के सेकंड वीक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों इस फिल्म को अपने सेकंड वीक में भी ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला और इस फिल्म ने अपने 8वें दिन कमाए 8,10,00,000 रुपए, 9वें दिन कमाए 11,70,00,000 रुपए और अपने 10वें दिन कमाए 14,40,00,000 रुपए। इस तरह से यह फिल्म अपने शुरुआती 10 ही दिनों में लगभग 162,00,00,000 की कमाई करके सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म दबंग 3, सुपरस्टार प्रभास की फिल्म साहो और कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। दोस्तों इस फिल्म ने अपने टोटल सेकंड वीक में 53,46,00,000 रुपए कमाए और इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन था वो अपने 2 ही हफ्तों का 181,00,00,000 से अधिक का हो चुका था। ये इस फिल्म का दोस्तों तीसरा हफ्ता चल रहा है और अपने तीसरे हफ्ते में तानाजी, छपाक और दरबार जैसी फिल्मों से कंपटीशन मिलने के बावजूद भी सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की इस फिल्म ने अपने 15वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए 2,07,00,000 रुपए। वही दोस्तों ये फिल्म आज अपने 16वें दिन एक बार फिर से काफी शानदार ग्रोथ कर रही है और आज के इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो रहने वाले है लगभग 4.5 करोड़ रुपए के। इस तरह से दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा 188 करोड़ रुपए का। वही अगर बात करें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों ओवरसीज में ये फिल्म अक्षय कुमार सर के करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है और इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में $10 मिलियन यानी कि लगभग 70 करोड़ रुपए को क्रॉस कर दिया है। इसी के साथ इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है वो हो जाता है 292 करोड़ रुपए का और ये फिल्म मिशन मंगल के 290 करोड़ के रिकॉर्ड को भी क्रॉस कर चुकी है। इसी के साथ अक्षय कुमार सर की यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ के बजट से बनी हुई एक ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। आपको दोस्तों यह फिल्म कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।